इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस है एट -10, m1 इस है कितने पर, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर क्या बोला जा रहा है, इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम लोगों के पास m2 ग्राम क्या है, वाटर है, कितने टेम्परेचर पे है, 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये इसको हीट दे रहा है और पूरी तरह से इसका टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और आइस पूरी तरह से मेल्ट भी कर जा रहा है, अल्टीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग पूछा जा रहा है कि जो लैटेंट हीट है आइस का वो कितना होगा, देखते हैं पहले इससे हीट कितना मिला होगा वो देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, m2 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगा 1, और इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, ये उस हीट का इस्तेमाल किया होगा सबसे पहले किस चीज के लिए, सबसे पहले टेम्परेचर चेंज, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 और इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना 10 प्लस m1 इनटू L ही तो पता करना लैटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, तो उसे कट कर देंगे 5, उस तरह जाके माइनस हो जाएगा, कितना लिखेंगे 50 m2 माइनस 5 m1 इज इक्वल टू m1 इनटू L, L इज इक्वल टू m1 को डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 50 m2 बाई m1 माइनस 5 m1 बाई m1, m1 कट जाएगा तो 50 m2 बाई m1 माइनस 5। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर ना।